हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एफएफबी लाइव केमिस्ट्री क्लासेस। दिस इज माय यूट्यूब चैनल, जिसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वन बाय वन डिस्कस किए गए हैं, कंप्लीट इंटरमीडिएट के कोर्स को कवर करते हुए। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सारे जो भी वीडियो केमिस्ट्री के डाले गए हैं, जिस टॉपिक पे जरूरत हो उसको पढ़ सकते हैं या सारे वन बाय वन देखे जा सकते हैं। आज हम आइसोमेरिस, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है, तो उसमें आइसोमेरिस इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बेसिक कंसेप्ट में ही आता है, क्योंकि जो मेन फीचर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उसमें सबसे बड़ा फीचर ये भी होता है आइसोमेरिज। तो आज के क्लास में हम आइसोमेरिज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पे डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज आइसोमेरिज? टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। टर्म आइसोमेरिज्म वाज यूज्ड बाय बर्जीलियस। आइसो मीन्स सेम एंड मेरस मीन्स पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला with C3H7Cl may represent as two isomers. Isomer first CH3CH2CH2Cl and isomer second CH3CHClCH3. तो यहाँ Cl की पोजिशन बदल जाने से ही कंपाउंड मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट हो जाता है। नाउ कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकेंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला। The difference in their properties is due to different atomic arrangements. Due to presence of covalent bonds, organic compounds show isomerism, and directional nature of covalent bond is responsible for it. Isomerism may be of two types as given. First, structural isomerism and second, stereoisomerism. What is difference between structural and stereoisomerism? The structural isomerism arises due to different structural arrangement and structural isomers have different structure formula. And stereoisomerism arises as a result of different steric arrangement and stereoisomers have same structural formula but different स्टेरिक अरेंजमेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ, अभी जो एग्जाम्पल बताया था ये किसका एग्जाम्पल, प्रोपिल क्लोराइड एंड प्रोपिल क्लोराइड टू, ये एग्जाम्पल है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। जबकि ये मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, इसमें जो कार्बन से डबल बॉन्ड कार्बन से जो अटैच है HHCH, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहाँ ये सामने सामने है इस तरह से, और यहाँ एक साइड में है। This is cis 2 butene and this is trans 2 butene. इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल एथिल एल्कोहल एंड डाइमेथिल ईथर। मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बोथ कंपाउंड C2H6O बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3CH2OH एंड हियर डाइएथिल मेथिल ईथर CH3OCH3. नाउ एथिल एल्कोहल इज ए लिक्विड बट डाइमेथिल ईथर इज द गैस। एथिल एल्कोहल इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 3351 केल्विन बट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 249 केल्विन। एथिल एल्कोहल रिएक्ट्स विगोरसली विद सोडियम एंड इवॉल्व हाइड्रोजन बट डाइमेथिल ईथर डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप का फर्क है। यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है। उसके बाद
एथिल एल्कोहल रिएक्ट्स विद एचआई एंड फॉर्म्स एथिल आयोडाइड दैट इज C2H5Y बट डाइमेथिल एथिल रिएक्ट्स विद एचआई टू फॉर्म्स मेथिल आयोडाइड. द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिल. द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर एट लीस्ट इन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आर बोथ आर नोन एज आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज. द आइसोमर्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय बर्जीलियस. द डिफरेंस एंड And properties of isomers is due to the difference in the relative arrangement of various atoms or group present in their molecules. There are two main type of isomerism. First is structural isomerism or constitutional isomerism, and second type of isomerism is space or stereo isomerism. In this class, we discuss at structural isomerism. It is due to structural isomerism is due to the difference in the manner in which the constituent atoms or groups are linked to one other within the molecule without any reference to space. Structural isomers are compound having same molecular formula but different structural formula. Structural isomerism is further classified into different types. Six types of structural isomerism: chain isomerism, position isomerism, and ring chain isomerism, functional isomerism, metamerism, and tautomerism. And second type of isomerism is space or stereo isomerism. It is due to the difference in relative arrangement of atoms or groups in space. Stereoisomers are compound having the same molecular and structural formula but different spatial arrangement of atoms or group. The spatial arrangement of groups or atom is also referred to as configuration of the molecule. It is further classified into three types. First, geometrical isomerism. Second, optical isomerism, and third, conformational isomerism. Hello? Let me see. क्या वो हम कहा बोलो हाँ अभी तो ही अभी हम क्लास ले रहे हैं अभी कहते हैं ओके A brief review of various types of structural isomerism is given here. अब हम यहाँ पे इस क्लास में ये तो हो गया isomerism, types of isomerism और दोनों तरह की isomerism किसने टाइप की होती है. स्टीरियो isomerism के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे जबकि आज हम बात करेंगे सिर्फ structural isomerism की. तो structural isomerism कितने तरह की है? सिक्स टाइप: चेन आइसोमेरिज, पोजीशन आइसोमेरिज, रिंग चेन आइसोमेरिज, फंक्शनल आइसोमेरिज, मेटामेरिज एंड टाटोमेरिज. फर्स्ट इज स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज. नाउ इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस. नो दिस इज द डिस्टर्बेंस हो जाता है तो ऐसे ही होता है बीच में. तो हमने बताया किस कितने टाइप के होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये सिक्स टाइप. तो इसको हमें वन बाय वन डिस्कस करना है, नॉट स्पेस आइसोमेरिज्म. तो फर्स्ट है चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म. दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑकर ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूटिंग द चेन. स्ट्रेट और ब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम. इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर और स्केलेटन आइसोमेरिज.
isomers having chain isomerism belong to same homologous series. The simplest example exhibiting this type of isomerism is of molecular formula C4H10, that is butane. It exists in two forms. When groups are arranged like this, CH3, CH2, CH2, CH3, this is N-butane. This is state carbon chain. Now this is branch carbon chain. Mein jab ye hoga branch carbon chain, CH3, CH, CH3, CH3 is tarah se arrange hoga. Jabki carbon and hydrogen same hai dono compound mein. But arrangement jo hai ye branch chain ho gaya aur ye state chain. This name of this compound is isobutane or 2-methyl propane. So this types of isomerism is known as chain isomerism. इसी तरह दूसरा एग्जांपल है पेंटेन. मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 एग्जिस्ट इन थ्री आइसोमर्स. फर्स्ट इज नॉर्मल पेंटेन एंड सेकंड आइसो पेंटेन CH3 CH के साथ यहाँ आ गया. तो ये मेन चेन में चार कार्बन, तो ये पांच कार्बन है, तो आइसो पेंटेन इसका नाम होगा या 2-methyl IUPAC नेम होगा 2-methyl ब्यूटेन, जबकि यहाँ इसका नाम एन पेंटेन ही होगा. तो दिस इज दी चेन आइसोमेरिज. इसी तरह से एक एग्जांपल ये देख सकते हैं नियो पेंटेन जब एक कार्बन चार दूसरे डिफरेंट कार्बन से जुड़ा होता है तो नियो एल्केन कहलाता है. तो ये दिस इज दी नियो पेंटेन, फाइव कार्बन है, IUPAC नाम 2,2-dimethyl प्रोपेन. तो ये तीसरा आइसोमर है किसका, इस कंपाउंड का, जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12. तो ये थ्री आइसोमर में एग्जिस्ट करता है, एक एन पेंटेन, दूसरा आइसो पेंटेन और तीसरा इस तरह से नियो पेंटेन. द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ए गिवन फार्मूला इंक्रीजेस रैपिडली विद द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम. दस देर आर 5 hexanes, 9 heptanes, 18 octanes, 35 nonanes एंड 75 decanes. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आइसोमर्स यानी चेन आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे. बिसाइड्स हाइड्रोकार्बन दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज इज पॉसिबल इन अदर होमोलोगस सीरीज लाइक ब्यूटीन 1 एंड दिस इज दी 2-methyl प्रोपीन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बोथ कंपाउंड C4H8. यहाँ पे ये स्टेट चेन में डबल बॉन्ड है, दिस इज ब्यूट 1-ene एंड यहाँ पे मेथिल ग्रुप लग गया, कार्बन हाइड्रोजन सेम है, 2-methyl प्रोपेन. इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O, दिस इज ब्यूटेन 1-ol एंड दिस इज 2-methyl प्रोपेन 1-ol. आइसोमर चेन आइसोमर्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O, दिस इज पेंटेनल, CHO ग्रुप ऐसे लगा है. अब यहाँ साइड चेन जुड़ गई है, मॉलिक्यूल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम होगा काउंट करो तो दिस इज दी 3-methyl ब्यूटेनल. फंक्शनल ग्रुप सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रुप्स आर डिफरेंट. With C5H8, it represents this type of isomers. First, pent-1-ines. Pent-1-ine, 5-carbon and triple bond present है. और इस तरह से ये दूसरा आइसोमर इसका होगा HCH triple bond CH CH3 CH, लगा से यहाँ पे. This is 2-methyl-but-1-ine. तो ये दो आइसोमर हो गए. इसी तरह से ये चेन आइसोमर C4H11N, फंक्शनल ग्रुप सेम है NH2 NH2, ये ब्यूट 1-amine स्टेट चेन में जुड़ा है और इधर एक साइड चेन जुड़ी हुई है 2-methyl-propane-1-amine. सेलेक्ट द पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स अमोंग द फॉलोइंग क्वेश्चन है. ये सारे चीजें समझाते होगी, समझते होगी क्या चीज है, इसमें कौन सा चेन आइसोमर है ये देखना है. यहाँ सेकंड एंड थर्ड, सेकंड कौन सा है ये और थर्ड, इसमें कार्बन एटम कितने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5,
मेथिल ग्रुप है, उसके बाद एक डबल बॉन्ड है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन इधर हो गई और दूसरी इधर हो गई। तो ये इसमें कार्बन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड लगा हुआ है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों में अलग है, इसके अलावा मेथिल ग्रुप की भी। उसके बाद अगला कौन सा है, फोर्थ एंड सेवेंथ, इसको करके देखना तुम लोग, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। फोर्थ सिक्स कार्बन एटम है यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद सेवेंथ यहाँ पे भी सिक्स कार्बन एटम प्रेजेंट है, दिस इज नाउ फिफ्थ एंड सिक्स भी है। फिफ्थ एंड सिक्स आर आइसोमर्स एंड फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसको अलग से कॉपी में नोट करके इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो कि लिख सकते हो, इसको देख करके स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख करके इसको देखना कि कौन से इसमें आइसोमर्स है। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H14, इंडिकेट चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स अमोंग देम। एन हेक्सेन है, 2-methylpentane, 3-methylpentane, 2-2-dimethylbutane, तो चेन आइसोमर्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई, इसको नोट करें और उसके बाद इसको देखने करके कि ये एक्चुअल में ऐसा है। पोजीशन आइसोमर्स 1, B, C, सेकंड एंड डी एंड ई। नाउ सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशंस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकुलर एटम और ग्रुप इन द सेम कार्बन चेन और ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन एल्कीन एंड एल्काइन। यहाँ क्या होगा, दिस इज द पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप इसमें सेम होगा, सिर्फ उसकी जो कंपाउंड में अरे जो उसकी पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी। विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O, तो दिस इज द प्रोपेन 1 और एन प्रोपिल अल्कोहल। दूसरे कंपाउंड में इस तरह से ये सेकेंडरी कार्बन के साथ 2-methyl ग्रुप जुड़े हैं और OH, यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल था, यहाँ ये प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा या आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसी तरह C4H8 डबल बॉन्ड दोनों में प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड दिस इज ब्यूट 1-ene, यहाँ सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ब्यूट 2-ene। Now C4H6, this is but 1-ene and this is but 2-ene, position of triple bond chain. यहाँ क्लोरो ग्रुप की पोजिशन चेंज हो जाएगी, 1-chloropropane and this is 2-chloropropane. उसके बाद अगला कंपाउंड है nitropropane, this is 1-nitropropane और this is 2-nitropropane. With C4H10O, this is butane 1 all, one position पे OH है, जबकि यहाँ पे but 2 all हो जाएगा। तो लेकिन molecular formula, यानी carbon, hydrogen और जो functional group present है वो दोनों में same है। C6H4Cl2 में molecular formula और substituent same है, सिर्फ इसकी position बदल गई, ये ortho dichlorobenzene, this is meta dichlorobenzene and this is para dichlorobenzene. Now give the possible cyclic isomers of formula C6H12 solution. C6H12 cyclohexane, दूसरा methyl cyclopentane, 1,3-dimethyl cyclopentane and this is 1,2-dimethyl cyclobutane, this is 1,2,3-trimethyl propane. Now ring chain isomerism, this type of isomerism is due to different modes of linking of carbon atom, that is the isomers possess either open chain or closed chain structure. C3H6 with molecular formula CH, क्या है ये, ring chain isomerism, this type of isomerism is due to different modes of
लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम दैट इज आइसोमर पजेस आइदर ओपन चेन और क्लोज चेन स्ट्रक्चर. तो ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से CH3CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज प्रोपीन एंड दिस इज साइक्लोप्रोपेन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी होगा C3H6. उसके अलावा भी C4H8, दिस इज ब्यूटीन 1 एंड दिस इज साइक्लोब्यूटेन और 2-methyl साइक्लोप्रोपेन. तो इस तरह से ये चेन और ये रिंग आइसोमर्स, दो रिंग आइसोमर्स हैं और एक चेन आइसोमर विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8. नाउ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स एज द फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस लार्जली द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड. Such isomers differ in their physical and chemical properties. For example, alcohol and ether. शुरू में दोनों के example दिखाए थे. Alcohol and ether, molecular formula CnH2n+2O. With C2H6O, ethanol or ethyl alcohol and methoxymethane. तो दोनों के मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम है लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप दोनों का डिफरेंट है. दिस इज द फंक्शनल आइसोमेरिज विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C3H8O. दिस इज प्रोपेन 1 ऑल एंड दिस इज मेथॉक्सी इथेन. विद C4H10O, दिस इज एन ब्यूटिल एल्कोहल एंड दिस इज डाई एथिल ईथर. Now, aldehyde, ketones, unsaturated alcohols, unsaturated ethers, and other cyclic compounds, etc. Now, C3H6O, this is aldehyde, propanol, and this is propanone. यहाँ पे aldehyde group present है और यहाँ ketone group present है, जबकि molecular formula दोनों का same है. The other compound, this is propane 2-in-1-ol, double bond present है और OH present है, जबकि जो इसी का ये तीसरा आइसोमर है, not two, only two isomers. See, with C3H6O, this is propanol, this is propanone, and this is propane 2-in-1-ol. The molecular formula same है. अगला आइसोमर इस तरह से होगा 1,2-epoxypropane, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेम है. तो इस तरह से C3H6O से 1, 2, 3, 4 आइसोमर्स ही नहीं बल्कि साइक्लिक आइसोमर्स भी रिप्रेजेंट करता है. 1,3-epoxypropane, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है. अगला आइसोमर मेथॉक्सी मीथेन मेथिल विनाइल ईथर, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया और दिस इज दी साइक्लोप्रोपेन. तो इस तरह देख सकते हो विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 एल्डिहाइड, this is acetone, this is allyl alcohol, and this is 1,2-epoxypropane, and this is cyclic compounds 1,3-epoxypropane, and this is methoxy ethane, and this cyclopropanol. So it says 1, 2, 3, 4, 5, 6 isomers are functional isomers represented by C3H6O molecular formula. उसके बाद है एसिड ईस्टर हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स आल्सो शो आइसोमेरिज्म लाइक CnH2NO2. सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है, यानी जनरल फार्मूला विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2 रिप्रेजेंट एथेनोइक एसिड मेथिल मेथेनोइक. यहाँ पे ईस्टर ग्रुप हो गया. दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O2, ये प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ COOH ग्रुप प्रेजेंट है जबकि यहाँ ईस्टर ग्रुप है, मेथिल एथेनोइट हो जाएगा ये. और उसके बाद दिस इज 2-hydroxypropanol CHO ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ. यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हाइड्रोक्सी. उसके बाद ये कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है 1-hydroxypropane 2-ON. तो इस तरह से विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O2 रिप्रेजेंट 4 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स.
Now, alkyne, alkydines and cycloalkenes with general molecular formula CnH2n minus 2. With molecular formula C4H10, it shows the following isomers. First is but-1-ine, second but-1,3-diene, molecular formula same hai. But-2-ine, this is the functional group isomers. And this is but-1,2-diene, yahan different jo in dono ke beech functional group different hai, isi tarah in dono ke beech functional group different hai. Yahan pe cyclic compounds hai, functional group, this is cyclo. Butene, this is 2-methylcyclopropane and this is 1-methylcyclopropane. Now cyanides and isocyanides. C3H3N say methyl cyanide or this is methyl isocyanide. Nitroalkanes and alkyl nitrides. NO2 and ON double bond O. With molecular formula C2H5NO2 shows two isomers C2H5N. This is nitroethane and this is ethyl nitride, but the molecular formula same. Now amines primary, secondary and tertiary C3H9N. Say ye hai propane 1-amine. This is 1-degree amine. This is N-methanamine with molecular structural formula. Now yahan pe functional group jo hai ye secondary amine hai. आइसोमर हो गया तीसरा आइसोमर हो जाएगा प्रोपेन 2-amine दिस इज 1-degree amine एंड अदर एग्जांपल्स इज N-N-dimethylmethamine दिस इज 3-degree amines अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O बेंजील अल्कोहल क्रिसॉल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है एंड एनिसॉल Now molecular formula and functional isomerism. यहाँ पे short में दिया गया है formula and functional isomers. With CnH2n, alkene and cycloalkane represent करता है तो इस तरह के isomerism show करता है with this molecular formula. CnH2n minus 2 से alkadiene, alkyne, cycloalkenes. CnH2n plus 2 O से alcohol and ether represent होता है. जबकि CnH2n plus 2 O alcohol and ether, CnH2 O aldehyde, ketone, oxyren, epoxide or cyclic ether and unsaturated alcohol. बहुत से एग्जांपल देकर के इसमें बताया भी है. CnH2n O2 से acid, ester, hydroxy, aldehyde and hydroxy ketone. तो ये टेबल याद रहेगी तो जो सारे एग्जांपल पहले बताया था वो नोट लिख सकते हो याद आ जाएगा. नाउ मेटामेरिज्म इट इज द आइसोमेरिज्म इन द सेम होमोलोगस सीरीज इट ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप और एटम इट इज द आइसोमेरिज इन द सेम होमोलोगस सीरीज It occurs due to presence of different alkyl groups attached to the same polyvalent functional group or atom. So the compounds having same molecular formula but different structural formula due to different size or natural alkyl groups around the functional group O, CO, NH and S are called metamers and the phenomenon is known as metamerism. Now example with molecular formula C4H10O. तो इसमें functional group सारे isomers में same होगा सिर्फ उसके जो alkyl group attach हो रहे हैं उनके जो arrangement का तरीका होगा वो different होगा तो ये compound इस तरह से O के साथ दोनों तरफ ethyl group जुड़े हुए हैं this is diethyl ether या ethoxy ethane. दूसरा इसी molecular formula से फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट तरीके से हैं दिस नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेथिल एन प्रोपिल एथर और 1-methoxypropane एंड थर्ड फंक्शनल ग्रुप सेम है और लेकिन इसमें एल्किल ग्रुप इस तरह से अटैच है दिस इज 2-methoxypropane और
आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर विद मॉलिकुलर फार्मूला C5H10O पेंटेन थ्रीओन। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है CO, एक एल्किल ग्रुप इस तरह से जुड़े हैं तो ये हो जाएगा पेंटेन थ्री ऑन या डाई एथिल कीटोन। दूसरे में फंक्शनल ग्रुप सेम है पेंटेन टू ऑन एल्किल ग्रुप इस तरह से जुड़े हैं, दिस इज दी प्रोपिल ग्रुप एंड दिस इज मेथिल ग्रुप, नाउ मेथिल एंड प्रोपिल कीटोन। यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन एल्किल ग्रुप डिफरेंटली अटैच है, दिस इज दी थ्री मेथिल ब्यूटेन टू और आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन। These are shown by molecular formula C5H10O. So these types of isomeries is known as metameries. उसी तरह molecular with molecular formula C4H11N. यहाँ functional group है NaNH. Alkyl group इस तरह से जुड़े हैं two ethyl group तो diethyl amine. दूसरा compound इसी molecular formula से NH group same है. एल्किल ग्रुप डिफरेंटली अटैच है, दिस इज मेथिल एंड प्रोपेनामाइन एंड इन दिस कंपाउंड एनएच ग्रुप टू मेथिल आइसोप्रोपिल एंड मेथिल ग्रुप आर अटैच। तो मॉलिकुलर फार्मूला सेफ है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, एल्किल ग्रुप डिफरेंटली अटैच है, दीज आर द मेटामर्स। नाउ विद C4H10S हियर फंक्शनल ग्रुप एस, this is diethyl thioether and second isomer is methyl n propyl thioether and this is isopropyl methyl thioether. Select the metamers among the following compound with the molecular formula C4H10O. Write down this question and इसको अपनी कॉपी में लिख करके इसको अरेंज करो जो क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ टार्टोमेरिज, अब इसमें आंसर भी दिया हुआ है तो पहले बिना देखे पहले सेलेक्ट करें उसके बाद फिर आंसर से मिलाएं ये सही है या नहीं। नाउ टार्टोमेरिज, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज वेयर द आइसोमर्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। This is a special type of functional isomerism where the isomers exist simultaneously in equilibrium with each other. The term tautomerism was used by Lahr in 1885 to describe the phenomenon of a substance reacting chemically according to two possible structures. The type of isomerism in which a substance exists in two radially interconvertible different structure leading to a dynamic equilibrium is known as tautomerism and the different forms are called tautomers or tautomerides. Let us consider an example of tautomerism. Now ketoenol tautomerism. Acetone mein is tarah ki आइसोमेरिज्म होती है, ये एसीटोन कीटो फॉर्म 100% होता है, इसमें सी ओ डबल बॉन्ड ओ और सी ए टू मेथिल ग्रुप आर अटैच, इक्विलिब्रियम में होता है, दूसरा फॉर्म लेस स्टेबल होता है, इसमें सी डबल बॉन्ड सी एच टू हो जाता है और एच यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है तो ये ओ एच इधर सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाता है और ये डबल बॉन्ड से, तो कीटोन टू फॉर्म में होता है, दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज नोन एज कीटो फॉर्म एंड दिस इज एनॉल फॉर्म। सेकेंड एग्जाम्पल ये है एसेटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड ओ एच, दूसरा एनॉल फॉर्म इसका ऐसे होता है सी डबल बॉन्ड सी हो जाएगा एच इधर से ट्रांसफर हो जाता है CH, ये एच ट्रांसफर इधर हो गया ये ओ एच हो गया और इधर आ गया ये सी एच टू हाइड्रोजन, ये गलत हो रहा है एग्जाम्पल सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एच थ्री सी ओ एच हो जाएगा सी एच टू यहाँ पे नहीं होगा, दिस इज ये अगला एल्किल अगले कंपाउंड का एल्किल ग्रुप यहाँ जुड़ेगा एनॉल, दिस इज एनॉल फॉर्म।
कीटोफॉर्म्स आर मोर स्टेबल देन इनॉल. Ketoforms are more stable than enol forms, but if a compound has two carbonyl groups separated by methylene group, then enol form becomes more stable by intermolecular hydrogen bonding, that is chelation. Now see this again. Ketoforms are more stable than enol form, but if a compound has two carbonyl groups separated by a methylene group, then enol form becomes more stable by intermolecular hydrogen bonding, which is known as chelation. Examples are CH3C double bond O, CH2C double bond O, two ketonic group present, and COO यानी कि ester group है यार, लेकिन इसमें चूंकि C double bond O होता है. कीटो फॉर्म ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर ये 93% और दूसरा फॉर्म इसका होगा एनॉल फॉर्म इस तरह से CH3O और इधर C डबल बॉन्ड हो, दोनों कीटो ग्रुप के ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं. दिस इज द एनॉल फॉर्म ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर. दिस इज 7% तो सैंपल होगा इस कंपाउंड का, उसमें 7% इनॉल फॉर्म होगा और 93% कीटो फॉर्म विच इज स्टेबल. नाउ एक्सपेरिमेंटली द प्रेजेंस ऑफ इनॉल फॉर्म हैज बीन फाउंड इन इंक्रीज इन ऑर्डर. सिंपल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज लेस देन बीटा कीटो एस्टर इज लेस देन बीटा डाई कीटोन्स हैविंग फेनिल ग्रुप एंड दिस इज लेस देन फिनॉल्स. Now essential condition for tautomers, aldehyde and ketones having at least one acidic alpha hydrogen atom show ketoenol tautomers. Aldehyde and ketones having at least one aldehydes and ketones having at least one acidic alpha hydrogen atom show ketoenol tautomers. Further, the compound should have electron withdrawing group like C double bond O, NO2, C triple bond N, etc. Following compounds having alpha hydrogen atom show ketoenol isomers. Alpha hydrogen atom kya hota hai? Yani जो इस तरह के ग्रुप होते हैं सी डबल बॉन्ड ओ या सी एच ओ या सी ओ एच, उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है अटैच वो अल्फा कार्बन होता है. तो ये सब नेक्स्ट है, दीज आर अल्फा कार्बन. दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज प्रोपेनॉल. दिस इज प्रोपेन टू ऑन, दिस इज प्रोपेन टू ऑन एंड एसिटोफिनोल. नाउ डिफरेंस बिटवीन टाटोमेरिज एंड रेजोनेंस. Tautomers are different compounds and can be separated and characterized by suitable method. But resonating structure cannot be separated as they are imaginary structure of the same compound. Now, tautomers or cationotropies involve the migration of mobile hydrogen atom between two polyvalent atoms present in the molecules, and the tautomers differ a change in the position of atoms. On the other hand, resonating structure have identical atomic arrangement and involve only a change in the position of pi electrons or unshared electrons. Tautomers are in dynamic equilibrium with each other and are interconvertible, but no such equilibrium exists in resonance, and there is only form which is intermediate between the many contributing structures. इसको हम इस तरह से represent करते हैं, जबकि tautomers में दोनों जो tautomers होते हैं वो equilibrium में होते हैं. Two tautomers have different functional group, but the various resonating structure have the same functional group. Tautomerism has no effect on bond length,
while resonance is accompanied by increase in bond length of a double bond and decrease of single bond length. Tautomerism has no contribution in stabilizing the molecule and does not lower its energy, but resonance lowers the internal energy and thus give rise to extra stability to a molecule. Now, tautomerism may occur in planar or non-planar molecules, while resonance occurs only in planar molecules. For writing the structural isomers for any given molecular formula, tautomers are neglected unless otherwise opted for. Which type of isomers is shown by CH3CH2, CH2OH and CH3CH2OH, CH3? Explain giving reason. Now solution, both compounds show position isomeries. Functional group same hai yaar, as the functional group position is different in these two compounds. Is tarah se, this is the propane 1-ol and this is propane 2-ol. This is the position position isomeric. What type of isomerism is exhibited by the following pairs of isomers? N-butane and isobutane. दूसरा है, अब इसको खुद देखो क्या कौन सा हो सकता है, इसमें क्या है. दिस इज दी कीटो एंड इनॉल फॉर्म, प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल, डाइमेथिल एमीन एंड मेथिल एंड प्रोपेनामाइन, साइनिक एसिड एंड आइसोसाइनिक एसिड. सॉल्यूशन देख सकते हैं, पहला क्या है, चेन आइसोमेर. क्यों, एन ब्यूटेन एंड आइसोबेट्यूटेन, दिस सोर्स चेन आइसोमेर, दिस इज tautomerism, and propane and propanone and propanol functional group isomerism, है ना. उसके बाद है dimethyl amine and methyl and propyne, this is the meta shows metamerism, and last one shows tautomerism. What type of isomerism is displaced by CH3COC3H7 and C2H5COC2H5? Explain giving reason. This is the टाटोमेरिज. देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि दिस इज दी नॉट टाटोमेरिज, दिस इज मेटामेरिज. दिस कंपाउंड शो मेटामेरिज्म एज डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ इन टू कंपाउंड्स. एल्किल ग्रुप डिफरेंटली अटैच है तो क्या शो करता है, ये मेटामेरिज. Write possible isomers having molecular formula C4H9Br, C3H6O2, give their IUPAC names. तो इसका हो जाएगा 1-bromo-butane, first A से C4H9Br से कितने isomers हो सकते हैं, second 2-bromo-butane, third 1-bromo-2-methylpropane, उसके अलावा 2-bromo-2-methylpropane. P क्या है, propanoic acid. उसके बाद इसमें फर्स्ट हो जाएगा propanoic acid, P में क्या था क्वेश्चन, B है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट propanoic acid, सेकंड मेथिल एथेनोएट, एथिल मेथेनोएट एंड 2-hydroxypropanol, एंड थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा 1-hydroxypropanone-2-one. नाउ राइट ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक ईथर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O. तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 1-ethoxypropane, सेकंड 2-ethoxypropane, थर्ड 1-methoxybutane, फोर्थ 2-methoxybutane, फिफ्थ 1-methoxy-2-methylpropane. इस तरह से इतने आइसोमर्स होंगे 2-methoxy-2-methylpropane. दस देर आर 6 पॉसिबल आइसोमर्स इन ईथर. तो इस तरह से आज के क्लास में हमने आइसोमेरिज समझा, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, और दो क्वेश्चन बीच में नोट कराए थे जिनको नोट करके आप लोगों को सॉल्व करना है कि कौन सी आइसोमेरिज्म उनमें होती है.